कंप्लेनिंग चाइल्ड है जो कि हर चीज़ के बारे में प्रोबेबली कंप्लेन कर रहा है, उसको कैसे हैंडल करें? देखिए, फर्स्ट चीज़ है कि मैं पर्सनली कहूँगी, अगर हो सके तो थोड़ा सा आउटसोर्स ऑफ हेल्प कर लो। आउटसोर्स ऑफ हेल्प बोलूँ तो हो सकता है आपके यहाँ पे कोई भी हेल्पर हो जो आपको सब्जी काटने में मदद कर दे। थोड़ा सा अपना टाइम सेव करो, और वो जो आप टाइम सेव करोगे वो सेफ्टी आप अपने बच्चे के सस्पेंड करो, फर्स्ट चीज़। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज़ कनेक्ट विद योर चाइल्ड। अब आप कह रहे हो मुझे पढ़ाना भी है, मुझे खाना भी खिलाना है, मुझे उससे बात भी करनी है, मुझे क्या करना है, तो खाना खाते आप ईजिली बात कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर एटलीस्ट वन मील, एक मील आप अपने बच्चे के साथ ज़रूर करें, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद द चाइल्ड एट द सेम टाइम। अब मान लो मैम, मेरा बच्चा तो हमेशा ही कंप्लेन करता रहता है, अब क्या करते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं किस तरीके से हम बच्चे। तो आपने बच्चे को एक गेम सिखानी है, फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली। नाउ व्हाट इज़ द थिंक अबाउट इट, आपका बच्चा पार्क गया है और पार्क से जब वापस आ रहा है ना, तो वो रो रहा है कि मुझे आप लेके जा रहे हो, आप गंदी मम्मा हो, आप मेरे को टाइम नहीं दे रहे हो, मुझे और खेलना था। अब एज अ मदर यू फील फ्रस्ट्रेटेड, यार मैं कितना भी कर लूँ ये तो कंप्लेंट कर रहा है, ये तो ठीक नहीं हो रहा। आपने बच्चे को बोलना है, ठीक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी हर्टफुल। तो सबसे पहले आपने बच्चे की फीलिंग को एक्सेप्ट करना है, ना कि डिनाई करना है, अरे तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई हैव सीन पेरेंट्स जेन्युइनली सेइंग, अरे तू तो कभी खुश ही नहीं हो सकता, बाप ही ने बोल दिया तो वो कुछ नहीं होगा, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ तो बदल ही नहीं सकता। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ कनेक्ट विद योर चाइल्ड। कनेक्शन के साथ साथ आपको लिसन करना है, आपको अजम्पशन पे नहीं पहुँचना। बच्चा किस बारे में कंप्लेन कर रहा है उसको सुनो, उसको समझो। बच्चा डेली रात को रो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना, अरे मैम ये तो सिर्फ रोता ही रहता है। नो, उसके पीछे रीज़न तो जान लो, उसे बैठ के बात करो। बिकम अ माइंड विच इज़ वेरी क्यूरियस टू नो वॉट योर चाइल्ड इज सफरिंग। जब आप बच्चे की नज़र से उस चीज़ को जान पाओगे, मम्मा मुझे ना स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आता, आप बात करो, मम्मा मुझे स्कूल इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि मैं ना अकेले बैठता हूँ। आप सॉल्व कर सकते हो, आपको अकेले बैठना किसी को पसंद नहीं है, आज की डेट में मुझे पसंद नहीं है, मैं अकेले बैठ के लंच खा रही हूँ। अगर आपका बच्चा कहीं अकेले बैठ रहा है तो इज़ गोइंग थ्रू आइसोलेशन, विच इज़ अगेन नॉट वेरी हेल्दी फॉर द चाइल्ड, राइट? जो बच्चा अकेला बैठा है क्लासरूम में तो वो किस चीज़ों से गुजर रहा है। तो ऑलवेज मेक श्योर टू अंडरस्टैंड, मैम मेरा भाई ना मुझे मारता रहता है, मुझे भाई पसंद ही नहीं है। मम्मा मेरा भाई ना मुझे मारता रहता है, मुझे पसंद ही नहीं है। अब मम्मा बोले, यार तू तो हमेशा ही कंप्लेन करते रहता है। तो मम्मा पूछे, अच्छा यू टेल मी वन थिंग, व्हाई डोंट यू लाइक योर बिग ब्रदर? मम्मा पता है ही इज़ वेरी बॉसी, वो बहुत बॉस बन के बात करता है, मुझे पसंद नहीं है। तो मम्मा को पता चल गया कि कहाँ पे हैंडल करना है, मम्मा उसको टेक्निक दे सकती है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज कनेक्ट विद योर चाइल्ड, लिसन टू योर चाइल्ड, बच्चा क्या बोलना चाहता है। अब आस्क योर चाइल्ड, डू यू वॉन्ट अ सोल्यूशन फ्रॉम मी और यू वॉन्ट मी टू हियर इट? बहुत बार हम लोग क्या गलती करते हैं, बच्चा कुछ बात ही कर रहा है, हम सीधा उसको सोल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। वी डू नॉट नीड सोल्यूशन, किड्स डू नॉट नीड सोल्यूशन, किड्स नो हाउ टू हैंडल इट। वो कभी कभार सिर्फ अपनी बात, हम बड़े भी तो कहते हैं यार हमारी कोई बात सुन ले तो हमें अच्छा लगेगा, हमें हर समय सलाह नहीं चाहिए। तो आप बच्चे को सलाह देने के लिए को देना। साथ ही साथ फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपने क्या गेम खेलनी है, फॉर्चुनेटली इसमें क्या अच्छा है, हर सिचुएशन में कुछ अच्छा कुछ बुरा है। तो हर सिचुएशन में अच्छा कैसे है, तो फॉर एग्जाम्पल बच्चे से पूछना है, अच्छा ठीक है हम पार्क से जा रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है, अब इसमें क्या अच्छी बात है, मम्मी फॉर्चुनेटली वी वर एबल टू कम टू द पार्क, आज एटलीस्ट इतना हुआ कि हम पार्क में आ गए, येस अनफॉर्चुनेटली वी वर जस्ट हैविंग 30 मिनट्स। सो योर चाइल्ड विल हैव सेम सिचुएशन टू रिस्पॉन्स। द मोमेंट योर चाइल्ड विल अंडरस्टैंड कि मैं एक सिचुएशन में दो चीज़ दे सकता हूँ। अब बॉसी वाली बात पे समझते हैं, मम्मा भाई ना बहुत बॉसी है, अच्छा बेटा फिर क्या करती हूँ, ऐसा करती हूँ भाई को मना करती हूँ आपके साथ गेम खेलने के लिए। नो नो मम्मा, आई वॉन्ट हिम टू प्ले विद मी, सो दैट मीन्स आई एम लकी दैट आई हैव अ सिबलिंग टू प्ले विद मी, बट या इज बॉसी दैट इरिटेट्स मी, राइट? तो फिर अब हम उस चीज़ को हैंडल करेंगे। सो समथिंग इज इम्पॉर्टेंट इज, अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है उसको सुनो, उसको समझो और उससे पूछो उसको आपकी मदद कहाँ चाहिए, जो मदद चाहिए वो करो, और साथ ही साथ उसको एक दूसरा परस्पेक्टिव देखने पर मजबूर करो, उसको सिखाओ कि क्या हो सकता है। That is important. So, for example, mother can also say at the end of the day, जब माँ बोलती है यार मैं थक गई हूँ, मेरे से काम नहीं हो रहा, अरे मैं थक गई हूँ, मेरे से काम नहीं हो रहा, that is unfortunate part, I have to cook dinner. बहुत बार मैंने माओ को देखा, including me also, right? Because I prefer कि मैं अपने बच्चे को खुद खाना खिलाऊँ. So, unfortunately, मैं खुश नहीं हूँ सिचुएशन से, बट फॉर्चुनेटली इज वामिका, दिस इज अ टाइम वी कैन बॉन्ड, हम मज़े करते हैं ना साथ में, आ जाओ किचन में ही आ जाओ। आई एम टेलिंग यू, योर चाइल्ड विल बी हैप्पी। मेरी 6 साल की लड़की, अगर वो सिर्फ मुझे चावल भी ड्रम से निकाल के दे देती है, शी इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन। मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँ, बिकॉज किड्स वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ आर लाइफ। वो नहीं चाहते कि हम उनको बोलें बेटा आप कमरे में चल जाओ मैं खाना बना कर आ रही हूँ। नो, जस्ट आस्क योर चाइल्ड टू इन्वॉल्व इन सर्टन थिंग्स, एंड आई एम टेलिंग यू हाफ ऑफ द बैटल इज विन, आधे से ज़्यादा आपने जंग जीत ली।